नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत है आप सभी का इनसे मिलिए कार्यक्रम में। और आज हम जिससे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है वो भारत संगीत का अभिन्न अंग है। और अगर इतिहास की बात करें तो वेदों से लेकर इसका इतिहास है, और लिखित रूप से हमें बहुत सारी जो अगर जानने का गहराई से जानने का मौका मिलता है तो वो है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से हमें शास्त्रीय संगीत की नॉलेज होती है। लेकिन आज का जो सफ़र है, आज हम बात करेंगे संगीत मेरी पहचान। तो कैसे इनकी ये पहचान बनी, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं मनोज कुमार ठाकुर जी, जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से जुड़े हैं और लगातार 20 वर्षों से ये सीखते आ रहे हैं, सिखाते आ रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि परफॉर्म भी करते आ रहे हैं। लेकिन जो ये संगीत की विधा है वो कैसे इनका सफ़र शुरू हुआ और नेशनल टीवी पर भी ये हिमाचल की टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं 3 बार, और कैसा रहा है इनका सफ़र, इनके बारे में जानने का मौका आज हमें मिल रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत मनोज जी हमारे कार्यक्रम में आपका। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को ही आपने क्यों चुना? देखिए अंजना जी, दो तरह का संगीत है जी, एक लोक संगीत और एक शास्त्रीय संगीत। लोक संगीत जो है और शास्त्रीय संगीत को अगर हम आपस में डिफ्रेंशिएट करें तो शास्त्रीय संगीत जो है वो एकल है जी, इंडिविजुअल साधना के लिए शास्त्रीय संगीत एकल साधना के लिए, और जो लोक संगीत है वो सामूहिक साधना का विषय है। संगीत के प्रति जिस आदमी को रुचि होगी ना, वो शास्त्रीय संगीत की तरफ जरूर जाएगा, एक कारण ये जी। दूसरा, जिसको ईश्वरीय कृपा होगी वो शास्त्रीय संगीत की तरफ जरूर जाएगा जी, जी। क्योंकि शास्त्रीय शास्त्रों से जुड़ा है और शास्त्रों का ज्ञान लेना और उसके प्रति रुचि जागृत होना, ये तो जो अपारलौकिक शक्तियाँ हैं ये उन्हीं की देन होती है। अब आपने मुझसे पूछा कि कैसे जाना हुआ, तो मुझे नहीं पता, ये कुछ पारलौकिक शक्तियाँ थी जिन्होंने मुझे इस तरफ जाने पे विवश किया, और कुछ अपने अंदर ऐसी जिज्ञासाएं उठती थी संगीत के प्रति, जिसके वजह से मैं शास्त्रीय संगीत की तरफ। इतने लंबे समय से जब आप इससे जुड़े हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि ये जो शास्त्रीय संगीत है वो एक साधना है, तो आपने क्या सीखते सीखते ये महसूस किया कि आपके अंदर कहीं पहले से ही ये था कि नहीं मुझे इस साधना से जुड़ना है? देखिए, हिंदुस्तान जो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है ना, दो तरह की पद्धतियां हैं, एक कर्नाटकी एक शास्त्रीय संगीत है और एक हिंदुस्तानी उत्तर भारतीय। आपने बहुत अच्छी बात शुरू में कही कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से संगीत की संगीत के बारे में लिखा है, संगीत की उत्पत्ति नहीं हम कह सकते कि संगीत की उत्पत्ति उनके बारे में गहराई से जानने का हमें 5-6 अध्याय हैं जहाँ पे संगीत के बारे में, और कुछ ताल अध्याय हैं, कुछ नृत्य अध्याय हैं, क्योंकि संगीत सिर्फ गायन नहीं है, बिल्कुल है ना जी। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे अभी, अगर शायद आप मुझसे पूछें कि संगीत में क्या क्या आता है, तो मैं आपको उस दौरान आपको बताऊंगा जी। अभी आपने मुझसे पूछा कि मेरे अंदर क्या ऐसा था कि मुझे संगीत शास्त्रीय संगीत में जाना पड़ा। अमूमन हिंदुस्तान में संगीत के क्षेत्र में वो लोग जाते हैं जिनकी पिछली पीढ़ियां संगीत से जुड़ी होती हैं, है ना। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा जी, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनेगा। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं जिनको संगीत घर से नहीं मिला, हमें खून में संगीत नहीं मिला है, है ना, हमें मैंने पहले कह दिया कि हमें कुछ पारलौकिक ऐसा आशीर्वाद था कि संगीत के प्रति रुचि थी जी। घर वालों को हम कहते थे कि हमें सिखाओ, तो वो कहते थे ये हमारा काम नहीं है, बिल्कुल है ना। हाँ। तो हम जैसे लोगों को संगीत सीखने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ना, करना पड़ रहा है आज भी जी, है ना, वो कठिनाइयाँ हर उस नए आदमी को संगीत की विधा में आती हैं जो एक नए अपना पिछला क्षेत्र छोड़ के नए क्षेत्र में एंटर होता है जी। इससे पहले कि हम और कुछ जानें शास्त्रीय संगीत के बारे में, तो मैं चाहती हूँ और हमारे दर्शक भी ज़रूर चाहते होंगे कि आपकी आवाज़ और आपके संगीत से रूबरू हो और कुछ उनके लिए आप। अंजना जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया जी, आप लोगों ने पूरी दूरदर्शन की टीम का बहुत बहुत मैं हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ जी। मैं लेश मात्र भी नहीं हूँ संगीत में,
जी। मैं एक जर्रे का हजारवां हिस्सा भी नहीं हूँ, है ना। मैं आपको क्या सुनाऊंगा, जो कुछ टूटा फूटा गुरुओं ने तो दिया बहुत अच्छा परोस के, है ना, लेकिन हमने कितना लिया वो मैं आपके सामने दो चार लाइन सुना देता हूँ जी, कुछ है ना। राग गुणकली में एक भगवान शिव की एक बंदिश है, दो लाइन आपको सुना देता हूँ। डमरोहर कर बाजे, डमरोहर कर बाजे, डमरोहर कर बाजे बाजे, डमरोहर कर बाजे, त्रिशूल कर धर भस्म भूषण, ब्याल माल गले विराजे, डमरुहर कर बाजे बाजे, डमरुहर कर बाजे। बहुत खूब जी। और मतलब इतना मधुर लगता है ये शास्त्रीय संगीत, और एक जहन में यही क्वेश्चन जो मतलब शास्त्रीय संगीत के बारे में जानने का मौका मिला कि सुर प्रधान है शब्द प्रधान नहीं, इसके बारे में एक्सप्लेन करें, क्योंकि सुरों का कितना महत्व है और शब्दों को क्या कम महत्व इसमें दिया जाता है। देखिए, एक तो ये कहना ही बिल्कुल गलत है कि सुर प्रधान है जी और शब्द प्रधान नहीं है जी। दोनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं जी। शब्द के बिना सिर्फ सुर सुर सिर्फ सुर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको सुनाया डमरुहर, अगर मैं इसमें ये नहीं गाता, मैं गाता डमर रे सा ध द सर रे सा, कितनी देर सुनेंगे आप? बिल्कुल, कितनी देर सुन लेंगे। अब मैं इसी चीज को कहता हूँ डमरुहर कर बाजे, अब आप बाजे शब्द की तरफ अगर ध्यान देंगे दूसरी बार में, मैं ये घर से नहीं सोच के आया था कि मैंने बाजे इस तरह से दूसरी, ये तो उपज की बात है, गुरुओं की कृपा होती है, उनका आशीर्वाद होता है जो कुछ अंदर से उपजता है। अभी कहा बाजे, अब डमरुहर कर बाजे, दोनों में फर्क है? बिल्कुल। क्या दोनों में, दोनों बाजे में अंतर था? सिर्फ बाजे में क्यों अंतर था, डमरू में क्यों नहीं था? क्योंकि अंदर से नहीं उपजा, शब्द नहीं होंगे सिर्फ सुर होगा, सिर्फ सुर होंगे और शब्द नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ों की अपनी अपनी महत्वता है, महत्वता है ना, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, सुर प्रधान है, हम कह सकते हैं कि प्रधान सुर है जी, मंत्री शब्द हैं ऐसा कहा जा सकता है जी, ये भी मेरे अपने शब्द हैं, और कई गुणीजन सुनेंगे तो शायद कह सकते हैं कि मैं गलत हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है कि आप अपना तर्क हो, क्योंकि आप एक आनंद जो अनुभूति जो हम महसूस करते हैं वो शब्दों के माध्यम से और ज्यादा कहीं बढ़ जाती है। और यही इसी में अगर ऐड हम करना चाहे कि संगीत जो है शास्त्रीय संगीत में उसमें इंस्ट्रूमेंट्स का कितना महत्व है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, संगीत में साज तीन चीजें हैं जी। जी, पहले तो संगीत है क्या, ये बुकिश थ्योरी में आपको बता रहा हूँ जी। गायन, वादन और नृत्य, जब ये तीनों कलाएं आपस में मिलती हैं तो संगीत बनता है जी। सिर्फ गाने गाने से संगीत बन जाएगा? नहीं, बजाने बजाने से संगीत बन जाएगा? डांस डांस से, नृत्य से संगीत बनेगा? नहीं, ये तीनों चीजें जब आपस में मिलेंगी तब जाके संगीत बनेगा। आपका सवाल था कि इंस्ट्रूमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है जी। मैं गा रहा हूँ और मेरे साथ कोई बजाने वाला नहीं है, कोई तबला नहीं बज रहा है, कोई हारमोनियम नहीं, कोई तानपुरा नहीं, या मैं कोई लाइट गा रहा हूँ, गजल गा रहा हूँ तो कोई सारंगी वाले नहीं है, या मैं, वो आपको सुनने को नीरस लगेगा, लगेगा जी, नीरस लगेगा। कोई बजाने वाला है, उसके साथ कोई गाने वाला ही नहीं है, वो अकेला ही लगा है अपने बजाने जी। कोई नाचने वाला है, कोई नर्तक है, उनके साथ ना गाने वाले हैं ना बजाने वाले हैं,
तो वो तो ऐसा हो जाएगा कि आप एक खबर चला दीजिए और उस पर नृत्य करना शुरू कर दो बिना ताल बिना मतलब तीनों कलाओं का आनंद हमें मिलना चाहिए। हाँ, कि साज का उतना ही महत्व है जितना आवाज का है जी। अगर एक लाइन में आपने आंसर सुनना है तो इंस्ट्रूमेंट्स का उतना ही महत्व है जितना आवाज का है जी। और शास्त्रीय संगीत के बारे में और जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या विधाएं हैं, किस गायन और वादन में क्या अलग अलग रहता है इसमें? हाँ जी, मैंने अभी बताया आपको कि गायन वादन और नृत्य जी शास्त्रीय संगीत में जो सीखने की विधाएं, गाना भी सीखना पड़ता है, बजाना भी सीखना पड़ता है, नृत्य भी सीखना पड़ता है। नृत्य शास्त्रीय संगीत की अगर हम बात करें कि शास्त्रोक्त नृत्य कौन सा है, तो बहुत सारे नृत्य हैं हिंदुस्तान में। आप देखो कथक है, कथकली है जी, और भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, अब तो मयूरभंज छाऊ मैंने सुना है काफ़ी समय से उसको भी शास्त्रीय संगीत के अंदर दायरे में ला दिया गया है। मयूरभंज छाऊ, छाऊ एक अलग है, मयूरभंज छाऊ एक अलग है। तो ये नृत्य की बात हुई। और जहाँ तक गाना तो गाना है ना, आपने कहा कि हिंदुस्तान में शास्त्रीय संगीत की कितनी विधाएं, दो, एक कर्नाटकी भी है, एक हिंदुस्तानी। उत्तर भारत जी में जो हम लोग हैं, हम लोग उत्तर भारतीय संगीत का पे हमारा ज़्यादा जोर रहता है, हम सीखते ही वो हैं। कर्नाटकी शैली वाले जो होते हैं, दक्षिण भारतीय जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पे कर्नाटकी शैली तो चलती है। क्या डिफरेंस रहता है दोनों? हमारा सुर प्रधान है, उनका ताल प्रधान है जी। हम सुरों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो ताल की तरफ, तालम जी। तालाध्याय जो भरत ने नाट्यशास्त्र में लिखा है तालाध्याय, उसमें कर्नाटकी संगीत के बारे में हिंदुस्तानी संगीत की अपेक्षा ज्यादा लिखा गया है जी, है ना। तो आपकी कभी इच्छा हुई कि मुझे हिंदुस्तानी संगीत के साथ साथ कर्नाटकी भी सीखना है? देखो, मैंने शुरू में कहा कि मैं तो एक जर्रा हूँ, अभी मुझे एक चीज समझ नहीं आई हिंदुस्तानी संगीत की, एक इतनी सी कोई चीज समझ नहीं आई। कर्नाटकी संगीत सीखने के लिए तो अभी शायद कई जन्म लेने पड़ेंगे, है ना। अभी तो हिंदुस्तानी संगीत सीखते सीखते ही कई जन्म लेने पड़ेंगे, है ना। और दूसरे, हिंदुस्तान में, उत्तर भारत में कर्नाटकी शैली से संगीत सिखाने वाले लोग बहुत कम हैं। और जब हम, जैसे आपने अभी बात कही कि हमारे जो सुर प्रधान है और उनका ताल पे बेस्ड रहता है, तो वैसे ही हम राग के बारे में जानना चाहते हैं कि शास्त्रीय संगीत में रागों का कैसा महत्व रहता है? शास्त्रीय संगीत, देखो अब मैं थोड़ा सा और हल्की सी डेप्थ में जाता हूँ, आपको शायद फिर समझ में आ जाएगी बात। फर्स्ट टर्म जो है ना, पहली टर्म जी, वो है नाद जी। नाद तो सभी ने सुना है कि जी शिव जी के डमरू से नाद निकला, है ना। जब नाद को प्योरीफाई किया गया तो श्रुतियाँ निकली, 22। श्रुतियों को प्योरीफाई किया गया तो 12 सुर निकले। जब उन 12 सुरों को और प्योरीफाई किया गया तो 7 सुर निकले। अब 7 सुर जब निकले, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सुर, अब इन 7 को हम कितनी तरह से लिख सकते हैं? असंख्य तरह से लिख सकते हैं जी। एक तो 3, 4, 5, 6, 7, फिर 1, 3, 2, 4, कितने सीक्वेंस हम इसके बना सकते हैं। वैसे ही उन 7 सुरों से फिर थाट बने, 10 थाटों की रचना हुई और उन 10 थाटों के अंतर्गत रागों की रचना हुई। और राग कैसे बने, आप एक घड़ी की सुई को इमेजिन कर लो, एक घड़ी को इमेजिन कर लो गोल, उसमें हमारी घड़ी में 12 बजते हैं, आप समझो कि उस घड़ी में 24 बज रहे हैं। उसके दो हिस्से कर लीजिए, एक हो गया 12 घंटे का हिस्सा, एक हो गया दूसरा 12 घंटे का। एक को हमने कह दिया उत्तरांग, एक को कह दिया पूर्वांग, उत्तर अंग और पूर्व अंग जी, ठीक। उत्तर अंग वो उत्तर अंग हो गया एक तरफ का पूर्व। अब मैंने दो हिस्से करवाए थे आपसे, अब आप उसी 24 घंटे की घड़ी के 4 हिस्से कर दो, दो तो आपने कर दिए थे, 4 कर दीजिए, 1, 2, 3, 4। रागों को 4 भागों में बांटा गया, प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर और चतुर्थ प्रहर जी जी जी। रागों का महत्व की बात बता रहा हूँ, आपने जो सवाल किया है, जो राग जिस समय में निर्धारित किए गए उसी समय में गाए बजाए जाते हैं आज भी जी। और मेरा एग्जैक्ट वही क्वेश्चन था, क्योंकि पहले के समय में हर स्थिति के लिए राग, जो जैसा हमने सुना है कि बारिश नहीं होती थी तो उसके लिए राग होते थे,
अलग अलग सिचुएशन के लिए राग होते थे। हाँ, हमने भी सुना है तो, कि तानसेन मियां तानसेन थे, उन्होंने राग दीपक गाया था जी, तो दीपक जल गए थे, मेघ मल्हार मल्हार राग गाए थे तो बारिशें हो गई थी। अंजना जी, सुर में इतनी तासीर है ना जी, कि इसी जगह पे एक तरफ बारिश हो जाएगी और एक तरफ दिए भी जल उठेंगे जी। बारिश हो रही होगी लेकिन दिए नहीं बुझेंगे, लेकिन उस सुरों की उस तासीर तक पहुंचने के लिए एक साधना उतनी जी। साधना जी। आवश्यक है, और उस साधना के लिए कहते हैं कि सात जन्म लेने पड़ते हैं एक संगीतज्ञ को एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचने के लिए। सात जन्म कहते हैं, और शायद हमारा तो भी पहला ही जन्म है जी। और बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत गहराई है कहीं ना कहीं भारतीय शास्त्रीय संगीत को जब हम जाने की कोशिश करते हैं तो शायद सच में ये लगता देखो, है। देखो गहराई क्यों नहीं होगी बताओ, हमने कहाँ से शुरू किया था कि नाद से, नाद से श्रुति बनी, श्रुति से स्वर बने, स्वर से सप्तक बने, सप्तक से थाट बने, थाट से राग बने जी, रागों से गीत बने जी, है ना। कुछ लोगों का किम वदंतियाँ हैं कि लोक संगीत से शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति हुई, लेकिन इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि जो रागों के माध्यम से है वो हमारी जो शारीरिक रूप से उसमें प्रभाव पड़ता है, जो हमारे रोग होते हैं उनको कम करने में भी बहुत सारे रागों का महत्व रहता है। बिल्कुल, देखो जिसको जो बीमारी होगी ना, अगर वो उसमें ठीक होना चाहेगा ना जी, मान लीजिए मुझे सिर दर्द है और मेरा जो मेंटल स्टेटस है, मुझे मेरी कॉन्शियस, दो तरह के माइंड है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे कहता है कि मुझे कुछ अच्छा सुनना है, मैं तभी ठीक होऊंगा। अगर रोगी की अपनी इच्छा नहीं होगी ना ठीक होने की, तो आप उसको लाख दवाइयाँ खिलाएंगे वो तब भी ठीक नहीं होगा, आप करोड़ों का उनका इलाज कराएंगे तब भी नहीं ठीक होगा। सुरों में ऐसी तासीर है ना, आप ना चाहते हो भी किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आप राग मालकौन सुनाएं, है ना। और ये मेरे, ये मैं जो मैं आपको जितने भी शब्द मैं आपको कह रहा हूँ, ये एक भी शब्द मेरा नहीं है, ये मेरे गुरुओं के शब्द हैं जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये उन्हीं का प्रसाद है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ जी, है ना। तो माइग्रेन है, आप राग मालकौंस सुना दीजिए, है ना, कहते हैं साइनस है तो राग हिंडोल सुना दीजिए, तो बहुत तासीर है सुरों के अंदर। वही है कि हर रोग के लिए कोई ना कोई सुरों के माध्यम से भी इतनी ताकत, लेकिन सुनाने वाले डिपेंड करता है कि सुनाने वाले की तासीर पे भी डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, वही श्रद्धा और वही जो प्रयास है, साधना है, वो तो होनी चाहिए। आपके सफर के बारे में जानना चाहते हैं कि कब आपने ये शास्त्रीय संगीत सीखने की विधा शुरू की। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट मुझे अभी सीखते सीखते कोई 21 साल तो हो चुके हैं, बहुत लंबा सफर है जी जी जी। और अभी अपने आप को देखता हूँ तो बहुत बड़ा शून्य अपने अंदर पाता हूँ, बहुत बड़ा शून्य। और जब आपने सीखने की बात किया तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर इंक्लूड करना चाहता हूँ कि जब मैंने सीखना शुरू किया था तो जिनसे मैंने सबसे पहले सीखना शुरू किया था, सिखाने वाले पे जो आपको सबसे पहले जो आपके गुरु होते हैं ना, आप जिस क्षेत्र में भी जा रहे हैं आप उस क्षेत्र में टिके रहेंगे जीवन भर या नहीं टिके रहेंगे, ये आपके पहले जो आपके टीचर, पहले आपके गुरु जो होंगे होते हैं, ये उन पे बहुत डिपेंड करता है। तो उस टाइम मैं यहीं पढ़ता था और डॉक्टर प्रवीण जरियट जी मेरे जो पहले गुरु थे, उन्होंने मुझे संगीत के ऐसे उन्होंने मेरे अंदर बीज डाले, है ना। बहुत ज़्यादा समय मैं उनके पास नहीं रह पाया सीखने के लिए, मेरी अपनी कमियाँ होंगी, है ना, लेकिन उनके डाले हुए बीज जो थे वो फिर पौधा बन के पनप रहे हैं जी आज भी। और उसके बाद कैसे, उसके बाद मैं चला गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर मैंने उस्ताद अख्तर नवाज साहब से सीखना प्रारंभ किया, किराना घराने के वारिस थे, फिर उनके पुत्र का देहांत हो गया था किन्हीं कारणों से, तो वो थोड़े बेचारे मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, फिर वहाँ से वापस आया, तो यहाँ से जिन्होंने मुझे भेजा था, अब तो स्वर्गीय श्री लोकेंद्र कंवर जी नहीं रहे, उन्होंने मुझे इतना दिया है ना, मुझे संगीत में जितना लोकेंद्र गुरु जी ने मुझे दिया ना वो अनफॉर्गेटेबल है जी। जितना उन्होंने मुझे दिया, तो फिर मैं यहाँ आया, फिर उनका वो थोड़े अस्वस्थ चल रहे थे, उनका देहांत हो गया, फिर अब मैं
मेरे दादा गुरु हैं उस्ताद स्वर्गीय श्री उस्ताद अब्दुल रशीद खान साहब, उनके बहुत ही प्रिय उनके शिष्य हैं मेरे गुरुजी जो भी हैं डॉक्टर हेमराज चंदेल जी, मैं उनसे सीख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें ज़रूर कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर सुने, वो तासीर वाले हैं, वो ये वो लोग हैं जिनके सुरों में तासीर तासीर। तो अन्ना जी आप बहुत ऐसे लोग हैं हिमाचल में जी, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा सवाल हिमाचल के संगीतज्ञों के बारे में तो मैं आपसे जरूर साझा करूंगा। नेक्स्ट हमारा वही हाँ। था क्योंकि जब मैंने आपके बारे में सुना कि 20 साल का ये सफ़र आप उसके बाद भी अपने आप को ये तो एक अच्छे सीखने वाले की एक बात हम कह सकते हैं कि वो हमेशा अपने आप को ये सोचता है कि मुझे और सीखना है, तो वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप ये कहते हैं। तो अगर आप आज के समय में बच्चों को कुछ सिखाते हैं हिमाचल में, आपको क्या स्थिति शास्त्रीय संगीत के लिए नज़र आती है? हिमाचल प्रदेश में शास्त्रीय संगीत की स्थिति बहुत अच्छी है जी, सीखने के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन मानसिक संरचना जनरेशन की कैसी है जी, ये बड़ी मायने रखती है चीज़, बिल्कुल है ना। और हिमाचल प्रदेश में सोमनाथ बट्टू जी, जी भीमसेन जी और रामस्वरूप शांडिल जी और अब नहीं रहे डॉक्टर लालचंद जी, उनका निधन पिछले वर्ष हो गया, डॉक्टर हेमराज चंदेल, डॉक्टर प्रवीण जरेट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सिखाने वाले, बहुत सारे जो जिनके पास अगर कोई सीखने जाए तो वो उड़ेल के रख देते हैं चीज़ें अपनी जी, है ना, लेकिन जाए कौन और करे कौन और कौन टाइम देना और क्यों दे। अब YouTube पे चैनल बना लो, गिटार बजा लो, उस पर एक वो पीछे लगाते हैं उसको कुछ कहते हैं आई थिंक उसको केपो जी, केपो लगा लो और उसके साथ गाना गा लो, आप फेमस हो गए, आपको क्या ज़रूरत है ना सीखने की। ये तो है जी, कहीं ना कहीं, लेकिन वही ही बात है कि जो एक साधना है वो बिन गुरु के ज्ञान जो हम कहते हैं नहीं हो सकता। आपसे कुछ और सुनना चाहते हैं जो आपका मन करे कि दर्शकों तक आप, मैं आपको अपने मेरे गुरु जी की एक बहुत अच्छी बंदिश सुनाता हूँ डॉक्टर हेमराज चंदेल जी की, ये राग मधुनादिनी में बंदिश है, मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूँ अगर मुझे कोई गलती हो जाए तो। ये राग मधुनादिनी की उनकी अपनी बंदिश है उनकी जी, जी, जी। और
अपनी रची हुई कंपोजिशन है। एक बहुत ज़रूरी आपसे सवाल ये है कि जो पुराने संगीत की जब हम बात करते हैं, पुराने संगीतकार होते थे, गीतकार होते थे, वो एवरग्रीन हम अभी भी उन्हें कहते हैं कि एवरग्रीन जो गाने हम सुनते हैं सभी को पसंद है, आज की जनरेशन भी अगर जब उन्हें सुनती है तो वो कभी बोर नहीं होते हैं जी। तो वो बात अब आज के समय में क्यों नहीं है? मैं इसका जवाब आपको दे चुका हूँ एक बार फिर भी। सुरों से मुतालिक जितनी भी आपकी बातें हैं ना, उनका एक ही जवाब है कि जिसकी साधना में तासीर होगी वो यहाँ आके लगेगा, है ना। अभी मैंने क्या कहा कि कोई गिटार पकड़ लो, आप गिटार पकड़ के गाना बजा लो, आप आसाम में बैठे हैं, आप कलकत्ता बैठे हैं, आप पौंडीचेरी बैठे हैं, आप कहीं बैठे हैं, आपका कोई एक छोटा सा, अब तो वो रील्स आ गई हैं छोटी छोटी सी, 10-10, 20-20 सेकंड की, आप उसमें फेमस हो जाते हैं, है ना। तासीर कहाँ से होगी आज के गानों में, आप मुझे बताओ ना। वही है, है ना। और पहले जब गाने मन्ना डे साहब हो गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हो गए, कितने सारे लोग थे जब वो गाने बनाते थे। मैं परसों एक इंटरव्यू सुन रहा था कविता कृष्णमूर्ति जी और उनके साथ कोई और थे, वो कह रहे थे कि हम एक एक गाने का 50-50 बार रिहर्सल करते थे। बिल्कुल। और जब हम स्टूडियो में बैठते थे तो सारे म्यूजिशियन एक साथ बैठते थे और एक माइनर सी मिस्टेक पे हमें दोबारा रीटेक करना पड़ता था। मनोज जी, जैसे कि आपने कहा कि आपको इतना लंबा समय हो चुका है फिर भी आप शास्त्रीय संगीत के बारे में नहीं जान पाए, तो इतने कम समय में हमें भी नहीं लगता कि पूरी बात कहीं ना कहीं हम संगीत को पूरा आपका सुन पाए हैं, लेकिन फिर भी जितना आपने बताया हमें बहुत अच्छा लगा और आज के मुलाकात के कार्यक्रम में संगीत के बारे में जानने का जो मौका मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम में आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये साधना अगर हो तो आपकी भी अपनी एक पहचान बन सकती है, क्योंकि भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए साधना का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।